सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नया वायरस बर्ड फ्लू के नाम से सामने आया है H5N1 जो कि चिंता का विषय है। जिला कांगड़ा के दो दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने आते ही मिनी सचिवालय धर्मशाला में जिला में कोविड की स्थिति और बर्ड फ्लू के प्रकोप को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के उपरांत सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पोंग बांध में आने वाले प्रवासी पक्षी पहले राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी आते हैं। अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है उससे लग रहा है कि यहां आने से पहले ये राजस्थान व मध्य प्रदेश गए थे, जिसके चलते यहां पर भी बर्ड फ्लू फैल गया। पशुपालन और वन विभाग की टीमें वहां पर काम कर रही हैं। सीएम ने कहा कि वे इसी लिए धर्मशाला आए हैं। जो भी हालात हैं उनका आंकलन करने के बाद सरकार आगे निर्णय लेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पोंग बांध में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के साथ ही उस एरिया को सील कर दिया गया था और 10 किलोमीटर के क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले कम हुए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में सावधानी जरूर अपनानी होगी। इसमें एक दूसरा एक हमारे लिए चिंता का विषय है कि एक नया वायरस जो है एवियन फ्लू के नाम से H5N1 जो माइग्रेटरी बर्ड्स के माध्यम से यहाँ पोंग डैम में देखने को मिला है, वो हमारे लिए सचमुच में थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जो जानकारी मिली है, क्योंकि हमने तुरंत जैसे कुछ बर्ड्स की वहाँ पर डेथ अनएक्सपेक्टेड जो नोटिस की गई, तुरंत उस पर विभाग को हमने कहा कि इसकी जांच की इसके नमूने भेजिए, सैंपल भेजिए, और वो सैंपल भेजे गए। उसके बाद रिपोर्ट आई और उसमें पाया गया कि H5N1 वायरस ये है और ये बहुत ज़्यादा तेजी से पक्षियों के बीच में फैलता है और फैलने के साथ साथ में इसकी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, ये भी पाया गया है। और हमने तुरंत जो है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए आदेश दिए। और दोनों तरफ से जो है लगभग जो टीमें 55 तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की टीम से यहाँ पर जो काम कर रही हैं और 10 टीम जो है हमारी वाइल्ड लाइफ जो हमारे फॉरेस्ट का है उनके माध्यम से यहाँ पर काम कर रही हैं। जो पक्षी संक्रमित होने के बाद मर गए हैं उनका जो एक प्रोटोकॉल के तहत उनका डिस्पोजल करना वो भी किया जा रहा है। अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ों की जानकारियां अभी तक आनी है कि ये पशुओं में कितना फैलता है और आदमी को कितना प्रभावित करता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग बातें अभी तक आ रही हैं। लेकिन बताया जाता है अभी तक कि अगर आदमी को ये संक्रमण हो जाए इस वायरस का तो खतरनाक है, ये कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है उसके बारे में। और आज हमने डिटेल में रिव्यू लिया जो तैयारियां यहां पर चल रही हैं सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और एक हमने आज जो आदेश दिया है कि लोगों को जानकारी देने के लिए अवेयरनेस, जिस प्रकार से हमने कोविड से संबंधित कुछ चीज़ों का जो है कैंपेन के रूप में चलाया, तो उस तरह की कैंपेन जो एडजॉइनिंग एरिया हमारे जहां पॉपुलेशन हमारी नज़दीक रहती है वहां उस एरिया में लोगों को जानकारी इस सारी बात की ठीक प्रकार से पहुंचे। क्योंकि पंचायत के चुनाव है, जो पंचायत के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो इस वक्त जो है वो उस तरह से काम करने की स्थिति में नहीं हो पाते क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि अलग से मैकेनिज्म डेवलप करिए ताकि लोगों को इस वायरस के बारे में जानकारी देने के साथ साथ में एहतियात के तौर पर क्या करना है, उन सारी बातों की जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो ये कुल मिलाकर के हमने ये सारी की हैं आज जो डिस्कशंस की हैं। और कुछ एक जगह पाया गया है कि कुछ कौवे जो है क्रो जो है उनकी डेथ हुई है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ एरिया के उस बीच में नहीं है, वो जो हैबिटेशन है जो गांव है उसमें पाए गए हैं। तो उनका भी हमने सैंपल भेजा है, उसकी जो डेथ हुई है उसकी वजह क्या है, तो वो भी जानने की हमने कोशिश की है कहीं यही वायरस तो नहीं फैल गया। वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो पर्टिकुलरली एक एरिया में रहते हैं जहाँ
झील होती है, पानी होता है, वहाँ रहते हैं। लेकिन कौवा कहीं भी जाता है, हैबिटेशन में जाता है, कहीं बैठता है, कहीं चलता है, ऐसा उठता है, तो इस सारी सिचुएशन को लेकर के थोड़ा हम निगरानी रखे हुए हैं ताकि हम आने वाले समय में और भी एहतियात के तौर पर जो चीज़ें करने की होंगी वो भी कर सकें। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जहां हमने दूसरे जो हमारे इस तरह के वाटर बॉडीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो डैम हैं और झीलें हैं, तो वहां पर भी हमने कहा अधिकारियों की भी थोड़ा इस चीज़ को मालूम करिए कि वहां पर भी इस तरह की पक्षियों की डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन अभी तक इस तरह की जानकारी नहीं मिली बाकी जगह से। ये मुझे आपके बीच में कहना था, थैंक यू। इसी के साथ धर्मशाला में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार के पास भारत सरकार की मार्फत वैक्सीन की उपलब्धता हो चुकी है और जल्द ही इस संक्रमण पर रोक लगाई जा सके, इस दिशा में हम लोग आगे अग्रसर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के जोनल हॉस्पिटल से कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत करते हुए प्रदेश के लोगों के नाम संदेश देते हुए कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद है कि इससे हम इस संक्रमण पर काबू पा सकेंगे। इस वायरस के लिए हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में जो वैक्सीन का जो इंतजाम है उससे रिलेटेड ड्राई रन स्टेट लेवल पर हो गया कुछ दिन पहले, और उसके बाद अब सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग समय पर उसमें हो रहे हैं। और आज भी हम यहाँ पर कांगड़ा में भी इसका वैक्सीन का ड्राई रन का अरेंजमेंट से रिलेटेड जो है वो सारा विषय चल रहा है और उसको भी हम अभी देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड का ये दौर समापन की ओर बढ़ रहा है ऐसा लगता है, और भगवान करे कि इसमें हम सफल हों और ये समाप्त होकर के हम एक नॉर्मल जिंदगी जीने में आगे बढ़े। पंचायती राज चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि जिन प्रत्याशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, जबकि लोकतंत्र में चुनाव से किसी को रोका नहीं जा सकता। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारा तो यही कहना है कि योग्य कर्मठ प्रत्याशी चुनाव में जीत कर आगे आए। सीएम ने कहा कि हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का प्रयास रहता है कि अधिकतर लोग उनकी विचारधारा के जीत कर आए, जिससे कि सरकार को और मजबूती मिल सके। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं पर सीएम ने कहा कि ये संगठन का विषय है और संगठन इस पर फैसला लेगा। निश्चित रूप से बिल्कुल, जहां जो भी चुनाव लड़ रहा है अगर वो पॉजिटिव है, चुनाव लड़ने के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो कैंपेन नहीं करेगा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसको आइसोलेशन में ही होना है, चाहे वो चुनाव लड़ रहा है या चुनाव लड़ाने वाला कैंपेन करने वाला आदमी। तो थोड़ा चिंता का विषय ये जरूर है, और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष, कोविड के चलते जो अभी हमने जो सारी चीज़ें हमने एहतियातन और सावधानी की दृष्टि से बताई है उनका अभी भी पालन करें, क्योंकि कोविड समाप्त नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुए हैं मामले लेकिन उसके बावजूद भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए चुनाव अभियान में हिस्सा लेने से हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सब लोगों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और चुनाव में कैंपेन करने का भी अधिकार है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस हमने नंबर के हिसाब से लगाई है उसका पालन हो, मास्क पहन करके रहें और उसके साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, और उसके बाद जो चीज़ें हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम सारी चीज़ें इस कैंपेन के दौरान में भी पालन करने के लिए आवश्यक है। वो पार्टी का विषय है, पार्टी के संगठन हमारा उन सारी बातों पर विचार कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है कहाँ क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि ये पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं है। इस दृष्टि से पार्टी ने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है उसके बारे में पार्टी के अध्यक्ष जी आपको बता सकते हैं उसमें क्या किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं इतने ही कहूँगा कि अच्छे और ईमानदार योग्य पंचायतों के प्रतिनिधि चुन करके आएँ तो उसका लाभ निश्चित रूप से होगा।
पंचायत है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।